दोस्तों, गूंज लाइव की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी होली। आप सभी होली का त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और आज गूंज लाइव के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं कि होली की पौराणिक कथा क्या है और होली क्यों मनाई जाती है, साथ ही होलिका दहन जो हुआ था उसमें होलिका क्यों जल गई थी वरदान मिलने के बावजूद भी, साथ ही प्रहलाद कैसे उस आग से बाल बाल बचकर आया। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि के भक्त थे। हिरण्यकश्यप उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति करने से मना करता था, किंतु जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप उन्हें लेके अनेक बार पहाड़ पर जाकर खाई में गिराया, परंतु वे विफल रहे। हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा, भैया मैं एक पल में इसे जलाकर मार सकती हूँ, आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जलती अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊं तो भी मैं नहीं मरूंगी, मैं इसे गोद में लेकर जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी तो ये जलकर मर जाएगा। वो ये बात भूल गई थी कि ये वरदान उसके अकेले के लिए ही उसको मिला था, किसी और को लेकर प्रविष्ट होने के लिए नहीं। होलिका खुशी खुशी प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई और राक्षसों ने आग लगा दी। प्रहलाद आंखें बंद कर हरि नाम सुमिरन करने लगे और उसमें लीन हो गए। आग लगते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और हरि की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब से उस राक्षसी को जलाने की प्रथा पूरे भारत देश में मनाई जाती है। उस दिन लोग जलती होलिका में चने और गेहूं की बाली को भूनने की भी प्रक्रिया की जाती है। इस प्रतिक्रिया का अर्थ है सबसे पहले भगवान को आहुतियाँ प्रदान की जाती है, आहुतियाँ अग्नि में दी जाती है, इसके बाद प्रसाद स्वरूप में गांव के लोगों में बांट दी जाती है और उसके बाद गेहूं और जौ आदि की कटाई प्रारंभ की जाती है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण शीत ऋतु समाप्त होती है और अग्नि ऋतु का आगमन होता है, यानी कि गर्मी का प्रारंभ होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के संक्रमण रोगों का आक्रमण होता है, जैसे हैजा, खसरा, चेचक आदि संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन होलिका जलाने का से वायुमंडल में कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलती होलिका की प्रदक्षिणा लगाने से हमारे शरीर में कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है। इसके बाद यदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो उनका प्रभाव हम पर नहीं होता है और हमारे अंदर आग के उष्णता के कारण स्वयं वे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बताया कि आखिर होलिका क्यों मनाई जाती है और वरदान होते हुए भी होलिका दहन क्यों हो गई और प्रहलाद श्रीहरि की कृपा से कैसे बच गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।